गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइस राय से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, कई बार एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा, भारत के गवर्नर जनरल मतलब कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इस पे ब्रिटिश राज का प्रधान पद था और जिस पर सिर्फ अंग्रेजों का ही अधिकार था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले कोई भी भारतीय इस पद पर नहीं बैठा। गवर्नर जनरल ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम के शीर्षक के साथ इस कार्यालय को 1773 में सज्जित किया गया था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर कह सकते हैं ब्रिटिश सरकार भारत में शासन करने के लिए विभिन्न पदों का सृजन किया था और ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश भारत सरकार के मध्य सूचनाओं का जो आदान प्रदान और संबंध स्थापित करता था कौन? भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे गवर्नर के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा गवर्नर जो पद होता था, गवर्नर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व होता था और जो बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य व्यापारी गतिविधियों को संचालित करता था। और 1773 से पहले बंगाल का गवर्नर होता था और जो मतलब क्लाइव है, यह है प्रथम गवर्नर था और फेमस भी था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर होता था, वह सभी ब्रिटिश क्षेत्रों का गवर्नर बन गया था। ठीक है, तो देखिएगा बंगाल के गवर्नर कौन कौन थे? क्लाइव जो 1757 से 60 और उसके बाद 65-67 में भी रहा। इसके बाद आता वॉरेन हेस्टिंग्स जो 1772 से 85 तक रहा। उसके बाद लॉर्ड कार्नवालिस जो 1786 से 93 तक रहा और सर जॉन शोर जो 1793 से 1798 तक रहा। फिर लॉर्ड वेलेजली है, ये 1798 से 1805 तक रहा। फिर सर जॉर्ज बोडलो, ये 1805 से 1807 तक। और फिर लॉर्ड मिंटो प्रथम, ये 1807 से 1813। फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये आपका 1813 से 1823। और फिर है लॉर्ड एम हर्स्ट, ये था आपका 1823 से 1828 ईस्वी। ठीक है, तो ये थे आपके गवर्नर। ठीक है, इसके बाद आता है गवर्नर जनरल का पद। तो जो भी बंगाल के गवर्नर थे इनके बारे में जैसे इम्पोर्टेंट, जैसे क्लाइव है, वॉरेन हेस्टिंग्स है, लॉर्ड कार्नवालिस है और जैसे आपका मिंटो है, वेलेजली है, इन सब के बारे में मैं आपको मतलब आगे पर्टिकुलर वीडियोज में एक एक के बारे में बताऊंगी। और मतलब बंगाल के जो गवर्नर हैं इनके बारे में और भी आपको जानकारी मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल। तो देखिएगा 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके द्वारा भारत में शासन संचालन के लिए मतलब शासन संचालन के लिए गवर्नर जनरल का पद है यह सृजित किया गया, जो कि गवर्नर जनरल परिषद की सहायता से कार्य करता था। इसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और जो प्रथम गवर्नर जनरल है वह लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। और 1833 का जो चार्टर एक्ट है, इसके द्वारा अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है इसको भारत का गवर्नर जनरल कहा गया था। ठीक है, तो देखिएगा जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है प्रथम गवर्नर जनरल था जो 1828 से 33 तक रहा। फिर लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ, ये 1835 से 36 तक। फिर चार्ल्स ऑकलैंड 1836 से 1842। फिर लॉर्ड एलन ब्रो 1842 से 44। लॉर्ड हार्डिंग, ये आपका 1844 से 1848। फिर लॉर्ड डलहौजी, ये 1848 से 1856 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, तो भारत के जो गवर्नर जनरल हैं इनसे संबंधित मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे की वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो अब पढ़ते हैं हम वायसराय के बारे में।
देखिएगा 1858 के अधिनियम में भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि वह ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में भारत में कार्य करता था, जो कि वायसराय परिषद की सहायता से कार्य करता था। देखिएगा, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता का हस्तांतरण करके और ब्रिटिश संसद, या फिर मान लीजिएगा कि ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया गया था, और अब भारत का शासक ब्रिटेन की महारानी को बना दिया गया, जबकि जो वायसराय है ना, वो महारानी के रूप में कार्य करता था। ठीक है, तो शासक तो ब्रिटेन की महारानी थी, लेकिन महारानी के नीचे जो काम करता था वायसराय होता था, और वो मतलब भारत में महारानी के रूप में ही कार्य करता था। ठीक है, तो मतलब प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, और अंतिम वायसराय माउंटबेटन था, और मतलब अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राज गोपाला चारी। ठीक है, तो देखिएगा लॉर्ड कैनिंग ये 1856 से 58 तक रहा, सर जॉन लॉरेंस 1864 से 69, लॉर्ड मेयो 1869 से 72, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक 1872 से 76, और लॉर्ड लिटन 1876 से 80, लॉर्ड रिपन 1880 से 84, लॉर्ड डफरिन 1884 से 88, और लेंस डाउन ये 1888 से 94, लॉर्ड एलगिन द्वितीय 1894 से 1899, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, लॉर्ड मिंटो द्वितीय ये आपका 1905 से 10 तक, और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21, लॉर्ड रीडिंग यह आपका 1921 से 26, और लॉर्ड इरविन 1926 से 1931, और लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 36, और लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 44, लॉर्ड बेबल 1944 से 47, और लॉर्ड माउंटबेटन ये 1947 से 48 तक रहा था। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल वह कौन था? सी राज गोपालाचारी। और प्रथम मतलब ये जो आपका अंतिम जो वायसराय था ये कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और प्रथम जो गवर्नर जनरल है ये कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो देखिएगा, मैं आपको ढंग से आगे के वीडियो में इन सब के बारे में, वायसराय हैं, गवर्नर जनरल हैं, इनके बारे में एक एक करके आपको बताऊंगी। तो वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज को सब्सक्राइब करें, और हमारा सहयोग आप लोग बढ़ाते रहें, हम आपको इतिहास विषय से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स बताएंगे।